रखना। तो फिर सुनो, एक बूढ़ा बांस था। उसकी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी, ना खाए पिए उसके शरीर में कमज़ोरी सी आ गई थी। एक दिन उड़ते उड़ते एक पेड़ पे जा पहुंचा। उस पेड़ पे ढेर सारे चिड़ियों की बास थी। उस बांस को सारी चिड़ियों ने घेर के कहा, देख देख उस बकुले को जैसे दिन में भी नींद आ रही हो। हाँ ठीक बोल रही है, सूख के काटा हो गया है, जैसे लग रहा है बहुत दिन से खाना नहीं मिला। टलो डाके उठते ही पूछते हैं उसका हाल ऐसा क्यों है। हाँ हाँ चलते हैं। ए बकुले भैया, बकुले भाई। हाँ बकुले भैया, कहाँ से आए हो? उधर दूर से, वहीं एक पेड़ है वहीं से आया हूँ। अपनी जगह छोड़ के क्यों आए हो भैया? वह बहुत दुख की बात है। कैसी तकलीफ की बात, बताओ जरा। अरे भाई, मेरी तो उम्र हो गई है, पंखों में जोर नहीं रह गई, आँखों से भी नहीं देख पाता हूँ। लेकिन मैं जहाँ रहता था वहाँ कम उम्र के बहुत सारे बगुले थे। वे मुझे सम्मान तो करते ही नहीं, साथ में जोर जबरदस्ती सारे खाना खा लेते हैं। इस तरह नहीं खाने के कारण शरीर में जो भी बल बचा था खत्म हो गया। इसीलिए दुखी होकर मैं वहाँ से आ गया। चारों ओर नजर जाती है लेकिन शक्ति नहीं रह गई, उड़ते उड़ते यहीं आ गया हूँ। ठीक है बकुले भैया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो, हम लोग खाने की बंदोबस्त कर देंगे तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है। बोलो बोलो, क्या शर्त है? इस एरिया में एक शैतान बिल्ली है, उससे हमेशा हम लोग डर के ही रहते हैं। वो बिल्ली हम लोगों के बच्चों को खाना चाहती है, और हम लोग खाना खोजने जाते हैं तो निश्चिंत नहीं रहते हैं। इसीलिए तुम हम लोगों के बच्चों का दिल में ध्यान रखना, हम लोग तुम्हारे लिए खाना ढूंढ के लाएंगे। वाह वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, बैठे बैठे ही खाना मिलेगा, तथास्तु। उसी दिन से चिड़िया निश्चिंत होकर खाना खोजने निकलती है, और बूढ़ा बकुला सोते जागते बच्चों की रखवाली करता है। जब चिड़िया वापिस आती है तो बकुला खाना खाता है। ऐसे ही बीत गई कुछ दिन, लेकिन एक दिन कौन है वहाँ पर? डरो मत बकुला जी, मैं हूँ बिल्ली। कौन? तुम वही बिल्ली हो जिसकी बातें चिड़ियों ने कही है? उनके बच्चों पर तुम्हें बहुत लालच आती है ना, लेकिन मेरे रहते ऐसा संभव नहीं हो सकता। लेकिन सावधान, एक कदम आगे बढ़ाते ही मैं तुम्हें ठोकर मार दूंगा। छी छी छी, क्या बोल रहे हो बकुला? जीव हत्या अब मैं नहीं करती, चिड़िया लोग जो बोली है मैं वो पहले करती थी, अब नहीं, अब मैं वो सब छोड़ दी हूँ, अब मैं धर्म के पथ पे चल रही हूँ। मेरे यहाँ आने का दूसरा कारण है। क्या कारण है सुनू? जी मैं सुननी हूँ कि आप बहुत ही दयालु हैं और धार्मिक। चिड़िया लोग जब खाना तुम्हें देती है, इसके बदले में आप उनके बच्चों की रखवाली करते हो, वही तो मैं देखी हूँ। तो फिर सुनिए बकुला जी, मैं आपके पास आई हूँ कुछ अच्छा उपदेश के लिए, कैसे करके मैं अपना जीवन और भी धार्मिक व्यवस्था से बिताऊं। वह सुन के बकुले का मन भर आया और वह अहंकारी हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम यहीं आओ, सुनो सुनो, तब मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताता हूँ।
कुछ बातें बताने के बाद थोड़ी ही देर में बूढ़ा बकुला सो गया। और उसके बाद लग रहा है बकुला थक के सो गया है, जा रही हूँ, यही मौका है, काम खत्म कर लेती हूँ। बिल्ली मौका पाते ही चिड़ियों के बच्चों को खा गई और वहाँ से भाग गई, और बकुला को पता भी नहीं चला, वो सोता रह गया। उसके बाद शाम होने के बाद चिड़िया आके अपने बच्चों को नहीं पाई। आय हाय, हमारे बच्चों को कौन खा लिया? पहले ऐसा होता तो मैं बोलती बिल्ली खाइए, अब तो वो बूढ़ा बकुला है, अब कौन खाया? कौन खाएगा, खाने वाला एक तो वही है। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो, वही बूढ़ा भूखा है, वही बकुला खाया होगा हम लोगों के बच्चों को। हाँ, तो फिर चलो तुम सब उसे सजा देनी होगी और उचित शिक्षा भी। चलो हाँ हाँ, हाँ चलो चलो, चलो। अरे बहुत दिनों से सर्कस नहीं देखा हूँ, और सुना हूँ कि इस अपने सर्कस वाले मैदान में नए नए सर्कस वाले आए हैं। बटलू भैया, अरे कहाँ जा रही है? अरे बाबा कान वाले, अरे अच्छा हुआ तू मिल गया, चल चल सर्कस देखकर आते हैं, ऐसे भी अकेले जाने का मन नहीं करता है। अरे बड़ा मजा आएगा, चलो देखने। अरे बटलू भैया, पर बच्चू और बिच्चू का आवाज सुनाई पड़ रहा है, अरे बाबा अरे बाबा। अरे यार आवाज तो सुनाई देगा ही हम दोनों की, क्योंकि हम दोनों तो यहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, हम लोग भी सर्कस देखने जाएंगे बटलू भैया। अरे अच्छा चलो हम सब मिलकर चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है भाई? बडलू।
तुम्हें देखकर ऐसा लगता है बटलू, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। आज जो सर्कस करने वाला आने वाला था वो तो आया नहीं, तो उसके जगह पे आप। ओ, समझ गया, इसका मतलब उसके जगह मुझे खेलना पड़ेगा। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। अरे उम्मीद करता हूँ कर पाऊंगा। और सुनो, तुम लोग अंदर जाकर बैठो, तुम लोगों में से किसी का कोई टिकट नहीं लगेगा, मैं अंदर जा रहा हूँ। आ रहा है हम लोगों का बटलू, वो दिखाएगा आज का सर्कलिंग बोर्ड का खेल। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, आ रहा है हम लोगों के सामने अपना बटलू। रहने दो भाई, तुम्हें नहीं करना होगा। अरे यार, तुम तो मेरा सर्कस ही बैन कर दोगे। अरे नहीं, बहुत दिनों से सर्कस नहीं किया हो ना, बैलेंस मेरा बिगड़ गया। आप चिंता ना करो, अब मैं तुम्हें होमर वाला खेल दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगेगा। बस रहने दो अपना ये तोड़ने वाला खेला, ये लो पैसा और भागो यहां से, इधर कभी मत आना। अरे चलो तुम सब यहां से, अब हम लोगों को सर्कस नहीं देखना होगा। मैं पहले कुछ दिन प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा इन लोगों को। अरे बाटलू भैया, तुम कुछ बोले नहीं, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बेइज्जती की। अरे नहीं यार, मुझसे ही गलती हुई थी। एक काम करता हूँ, अब मैं आज से प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद उन लोगों को मजा चखाऊंगा। बटलू, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे ये प्रैक्टिस की वजह से सारे मोहल्ले वाले अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। बंद करो अपना यार प्रैक्टिस। तुम्हारे बॉल फेंकने से लॉकअप के सारे लोहे टेढ़े हो गए हैं और सारे चोर भाग जाएंगे और तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे पता नहीं ये सब क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई प्रैक्टिस करो, अब तो पब्लिक तुम्हें सबक सिखाएगा। समझ गया बच्चू। अरे चलो, अब हम लोगों को भड़काएंगे ताकि बटलू को आओ 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 आओ। अरे खुले आसमान के नीचे एकदम निश्चिंत होकर प्रैक्टिस करूंगा। ये बाबा, ये बाबू रहा बोलता रहे, ये बम की तरह आवाज किया हो गया रे बाबा। रे बाबा, ये तो लग रहा है ये प्लेन हाईजेक होगा रे बाबा। रे बाबा, ये बाबू रहा गणपत बोलता रहे। ये राजू, ये क्या हो गया? अरे भैया चुपचाप बैठ जाओ, अगर ज्यादा चिल्लाओगे ना ये लोग तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सुनिए यात्री जन, कृपया करके शांत होके बैठिए। ऐसा लग रहा है कि दुश्मनों ने हमला किया है, आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। करके शांत होके बैठिए। अरे बहुत तेज उछाल दिया था, लेकिन इस बार मैं बहुत आस्ते उछालूंगा। चलो भाइयों, हम लोगों का खराब दिन चल रहा है। अरे चलो हम लोग मिलकर बटलू का मोटाई बचकाते हैं, चलो। हे भाई, इस बार हम लोग सबको सेट कैलास। अरे सबके साथ बच्चू हाथ मिलाकर मुझे मारने आ रहा है, रुको मैं और सबको मजा चखाऊंगा। अरे आओ आओ आओ। अब समझा, ऐसे ही नचाता रहूंगा तुम लोगों को।
अरे मैनेजर बाबू, ये नया सर्कस का खेल कैसा लग रहा है? चलो आओ भाई, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अरे आप हमारे सर्कस में आ जाओ और ऐसा खेल दिखाओगे तो मेरा सर्कस बहुत जमेगा। चले आओ, यही सर्कस होगा इस साल का नंबर वन। अरे बटलू, तुम जिसे पकड़ कर लाए हो खेलने के लिए, वो हमारे इलाके के एक से बढ़कर एक डॉन और माफिया है। अब तो सरकार तुम्हें इनाम देगी। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ऐसे खेलने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दोस्तों, आज आप लोग देखोगे एक सर्कस का एक लाजवाब खेल जो मनुष्य को बहुत मनोरंजन देगा, और वो दिखा रहा है आपका बटलू। नमस्ते। अरे ए बदमाश, हर जब मैं नृत्य पर पढ़ता हूँ तो तुम दोनों के बदमाशी चालू हो जाता है। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं तो मैं डंडा से मारूंगा। चलो चलो, ऐसे डूबे लेते ही भागते हैं। नहीं भोदू भैया, एक बार तुम गुर्दल चलाओगे और एक बार हम चलाएंगे। छत पे जो तोता बैठा है उसको जो पहले मारेगा वही विजय कहलाएगा। पहले तुम मार। एक कोई बात हुआ क्या? ये तोता मेरे ही गुर्दल से मरेगा। ये देखा है तो, पहले सीख करा सीख करा। मैं गुर्देलों का कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं ठीक से गुर्देल चलाता। रुको, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। ए आ, अरे वो तो जीत का घर का कांच टूट गया। अरे वो लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे अब तो जीत के पापा हमें डंडा लेकर मारेंगे। भाग हो तू भैया, जल्दी भाग। अरे कौन है जो हमारे खिड़की के कांच को तोड़ दिया है? उसको पीट पीट कर उसी पर चिपका देंगे। आज उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे रुको, हम तुम्हें अभी मदद सिखाते हैं। तुम्हारे घर पर जाकर बोलते हैं। भोदू भैया, इस बार मिस तो हो गया, मगर दूसरा बार मिस नहीं होगा। चलो इस बार तलवार लेकर खेलते हैं। तू रुक, मैं घर से दो तलवार लेकर आ रहा हूँ। देखा तो, इसी को बोलते हैं तलवार का खेल। पहले कभी जीवन में तुम खेला नहीं, इसीलिए तो तुम जानता नहीं जापान लोग कैसे खेलते हैं। तूने माथा पर क्यों मारा? तुम क्या समझते मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है? हा? ये लो, संभालो ये। अरे ऐसे तलवार फेंक के मारते हो, ऐसे भला कोई कहता है क्या? अरे रिमोट कंट्रोल का तो नाम सुना हूँ, लेकिन ये तलवार आकर कहाँ से गिरा? अरे ये क्या? ओ ये बात है, ये तुम लोग का काम है। रुको, तुम्हारे घर जाकर हम बोलते हैं। ठीक है, जाइए जाइए, वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। क्या बोले हो? तुम आग दिखाते हो? रुको रुको, मैं तुझे अभी मजा सिखाता हूँ, रुक जा। ये लोग कैसा इंसान है, जब छोटा बच्चा खेलता है तो लोग देखकर सब जलता ही जलता है। चलिए भोदू भैया, अभी हम लोग लाठी का खेल खेलते हैं। माँ से पहले बचपन में सुना था कि सिनेमा नहीं था। वीर उसी को कहते हैं जो लाठी के मैदान में जीतते हैं। हाँ तो यही खेलते हैं। ऐ हडा, तुम खेल खेल में ऐसा सीरियस खेला मत किया करो। अरे ये तो खेला है, सचमुच मत खेला करो। करो
लाठी से मारता हूँ, इस लाठी को तुम संभालो। ए ओ, मैं समझ गया, तुमको ऐसे मारना पसंद है। ए हटा, तुम मुझे ऐसा क्यों मार रहे हो, हमें बहुत लग रहा है। ए हटा, तुम ऐसे खेलोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ऐ हटा, तुम्हारे साथ हम खेलेंगे नहीं, तुम हमें मारता है खाली। अरे ये दर्द उदर्द नहीं। अरे यार, तेरे चर्बी वाला शरीर में एक दुलाठी पड़ जाए तो कोई बड़ा बात नहीं है। अरे यार, इस बार हम लोग टेनिस प्रैक्टिस करेंगे, समझ गया ना? एक तो टेनिस बॉल चाहिए, तुम्हारे पास है ना? हमारे पास कॉर्कोट का बॉल है, टेनिस बॉल नहीं है, तुम लाओ उसी से हो जाएगा। अरे बॉल से किसको टिपना है? वो देखो जो खजूर का जूस जो ले जा रहा है उसी का बर्तन को टिकना है, क्या तुम टिप पाओगे या नहीं हमें बताओ। दो पहले हमको दो, हम तुमको मार के सिखा दे रहे, उसके बाद तुम मारना कैसे मारना है। ये मैं फेंका। अरे दैया रे दैया, तुम दोनों क्या कर दिया रे? क्या रे हाडा, तुमने बॉल फेंकने का चक्कर में उनका मिट्टी का बर्तन तुमने तोड़ दिया। हे भगवान, मेरा सारा मिट्टी का बर्तन टूट गया और सारा रस गिर गया, अब हम क्या करें? अच्छा हाडा बाबू और भोदू बाबू, अभी हम तुम लोगों का घर चलते हैं और घर जाने के बाद वहाँ से मैं पैसा पूरा का पूरा अपना वसूल कर लूँगा। अरे भोदू भैया, हम लोग जब खेलते हैं जहाँ पे तो ये लोग भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और खेल खेल में हम लोगों से सब भूल हो जाता है तो घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचने के बाद सजा दिला देते हैं। अरे भोदू भैया, हम लोग घर के पीछे वाले जो बगान है उस बगान में चलकर फूल में पानी देंगे और वो लोग हमें मारने के बदले में आदर करने लगेंगे और प्यार करेंगे। अरे हाडा, जैसे तुम पानी डाल रहे हो पत्ता हिल रहा है, वैसे ही तुमको भी हिलना पड़ेगा इन पत्तों के सामने। नहीं नहीं नहीं, देखो इन पत्तों को कैसे हम कान पकड़कर सीधा कर दे रहे हैं, तुम देखो। अरे भोदू भैया, इसका कान पकड़ने के बावजूद भी कोई लज्जा नहीं है, फिर भी लपलप जा रहा है। अरे हाडा, देखो देखो, मौसा जी आ गए हैं। हाँ हाँ, ये देखिए ना भोदू भैया, मौसा जी के साथ पूरा दल बल आ गए। अरे अभी मैं क्या करूँ? ओ, हमारा मटकी फोड़ दिया। अरे भोदू भैया, अब मैं क्या करूँ? हमको लगता है जो होस पाइप है उस पाइप से सबको नहलाकर उनका माथा ठंडा कर दूँ। अरे हजा, अब मैं टेंशन नहीं दूंगा, तुझे जो करना है सो करो। अरे बदमाश, तुम इन लोगों का इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी तुम मेरे बगीचे को तुम आगे नुकसान पहुंचाने, तुम रुको अभी तुम दोनों को मजा में सिखाता हूँ। अरे तुम लोग सब मिलकर उसको पकड़ो, उसको होश पाइप से अभी उसको नहलाकर उसका दिमाग साफ करके तभी वो ठिकाना पाएगा, नहीं तो उसका दिमाग साफ होगा नहीं। अरे बच्चों, मैं पेड़ पर बैठकर हाथों को नहलाते हुए देख रहा हूँ मौसा जी को, और ये बात मौसा जी से मत कहना, नहीं तो मुझे पकड़ कर नहलाने लगेंगे। हेलो डिक, बोलो पुशी। आज घर पे आंटी नहीं है, इसीलिए तुम मेरे घर पे आना, तुम्हारा इनवाइट है। तुम टेंशन मत लो, मैं शाम को जरूर चला आऊंगा तुम्हारे पास। तो दोस्त को क्या खिलाएगा बता? देख लेना क्या खिलाऊंगा। क्या कर रहा है ये देखना पड़ेगा। आज दोस्त के लिए चिकन तंदूरी बनाऊंगा। खाना तो बनाएगा ठीक ही, मगर खाएगा वो नहीं, मैं और टॉमी खाऊंगा। हेलो टॉम। हाँ हाँ, तुम निश्चिंत होकर रहो, मैं जरूर आऊंगा सही समय पे। हेलो पुछी। हाय डिक, चलो अंदर चलते हैं। हेलो डार्लिंग। हाय टॉम, आओ अंदर आओ, आज रात मैं तुम्हें अच्छा डिनर कराऊंगा।
क्या खाना? तंदूरी चिकन। वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। देख, आज मैं तुम्हारे लिए तंदूरी चिकन बनाया हूँ, चलो दोनों मिलकर खाते हैं। चलो चलो फिर जल्दी चलते हैं। तो अब अपने दोस्त को ये तंदूरी चिकन नहीं खिला पाएगा। चोर कहीं का, रुक तेरे को बताता हूँ। मारूंगा तेरे को। मुझे मारो बोले। टलो टलो, इससे लड़कर कोई फायदा नहीं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया? सुनो तो फिर। बड़ा अच्छा आइडिया है। देर मत करो, चलो फटाफट काम करते हैं। बस सैंडविच तैयार है, अब मसाला दो जा। लो। बस तैयार हो गया, चलो चलो अब चलते हैं हम लोग। ये सब क्या है? सैंडविच, चिकन सैंडविच। तो फिर ये हम दोनों खाएंगे। अरे बाप रे बाप, मर गया, गला जल गया, मर चल रहा है। अरे बाप रे बाप, देखो 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 इस देखो 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 इसी को कहते हैं डोगी वाला डांस। पेट चल गया, गला चल रहा है, गला चल गया, पेट चल गया। बाप रे बाप।